सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थी। आम के पेड़ की डालियों के आवाज भी काफी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा थी कि आखिर यह भैंसे ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसे ऐसा कर रही होगी, इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया, इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसीलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहां पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहां सालों से रह रही हूं। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूं, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे में डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि घा, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूं, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूं, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूं, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई।